नर्सरी क्लास बेटे, टुडे डेट इज़ 23। बेटे आज हमारा जो मैथ का वर्क है वो है 61 to 70। ठीक है, 61 to 70। जैसे कल मैंने आपको 1 to 10 बताया था, पहले मैं 1 to 10 ही बताऊंगी आज भी आपको। ठीक है, देखिएगा ज़रा, ये मेरे नोटबुक के ऊपर ये मैं डॉट डाल रही हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। ठीक है, अब 1 और 0 10, सॉरी 1 0 10 ओवल की शेप में 0 आएगा, 0 गोल नहीं आएगा। ठीक है, अब वो कल वाला ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। आज हमने लिखना है 61 to 70। ठीक है, अब पहले मैं क्या लिखूँगी, 1 2 ही लिखूँगी। देखिएगा, 2 ब्लॉक को छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस के बाद 1 लिखा, फिर 2 लिखा, ठीक है बॉयज़, फिर मैंने 3 लिखा, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। ठीक है, अब मैं पहले 1 और पहले वाला वर्ड नहीं लिख रही, मैं 0 डाल रही हूँ। ठीक है, आज मेरा क्या वर्क है बॉयज़, 61 to 70। ठीक है, अब मैं देखें 6, अब हम सबसे पहले जो लिखेंगे वो 6 लिखेंगे। देखें 6 लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, अब ये क्या बन गया, 61 क्या बना, 61। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम पूरे सब वर्ड्स के सामने सिर्फ 6 लिखेंगे, 62 बन गया। देखें सेम, अब यहाँ हम 6 लिखेंगे, 63 63, 64 64, 65 65, 66 66 66। ठीक है बेटा, 67 67, 68 68, 69 69। अब यहाँ क्या था हमारा, 61 to 70, 61 to 70, यहाँ हमने 70 लिखना है। ठीक है, 69 के बाद जब ये वाले 10 वाले, ये इसके 10 ख़त्म हो गए, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे, 70 70। ठीक है बॉयज़, अब ये कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हमें शेप के ऊपर। ठीक है, और शेप जब अच्छे तरीके से हो जाएंगी तो ये सारी काउंटिंग भी अच्छे तरीके से हमें याद हो जाएगी। ठीक है, गुड बॉयज़, अच्छे से काम कीजिएगा, याद कीजिएगा बेटा, और मुझे भेजिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।